शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो जात बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहले आलम को खबरदार करे। वही के आसमान और जमीन की बादशाही उसी की है और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं और जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका एक अंदाजा ठहराया और लोगों ने उसके सिवा और माबूद बना लिए हैं जो कोई चीज भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं और न अपने लिए नुकसान का और न नफे का कुछ इख्तियार रखते हैं और न मरना उनके इख्तियार में है और न जीना और न मर कर उठ खड़े होना। और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मनघड़त बातें हैं जो इस मुद्दई रिसालत ने बना ली है और कुछ दूसरे लोगों ने इसमें इसकी मदद की है। ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको इसने जमा कर रखा है और वो सुबह शाम इसको लिखवाई जाती हैं। कह दो कि इसको उसने उतारा है जो आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है, बेशक वो बख्शने वाला है मेहरबान है। और कहते हैं ये कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, इस पर कोई फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया कि इसके साथ खबरदार करने को रहता या इसकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता या इसका कोई बाग होता कि उसमें से खाया करता। और जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादू ज़दा शख्स की पैरवी करते हो। ऐ पैगंबर, देखो तो ये तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं, सो गुमराह हो गए और रास्ता नहीं पा सकते। वो अल्लाह बहुत बाबरकत है जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीजें बना दे, यानी बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हों नीज तुम्हारे लिए महल बना दे। बल्कि ये तो कयामत ही को झुटलाती हैं और हमने कयामत के झुटलाने वालों के लिए दोजख तैयार कर रखी है, जिस वक्त वो इनको दूर से देखेगी तो गजबनाक हो रही होगी और ये उसके जोशे गजब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे। और जब ये दोजख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ कर डाले जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे। आज एक ही मौत को ना पुकारो और बहुत सी मौतों को पुकारो, पूछो कि ये बेहतर है या हमेशा की जन्नत जिसका परहेजगारों से वादा है। ये उनके आमाल का बदला और रहने का ठिकाना होगा, वहां जो चाहेंगे इनके लिए मुयस्सर होगा, हमेशा उसमें रहेंगे। ये वादा अल्लाह को पूरा करना लाजिम है और इस लायक है कि मांग लिया जाए। और जिस दिन अल्लाह इनको और उनको जिन्हें ये अल्लाह के सिवा पूजते हैं जमा करेगा तो फरमाएगा, क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हो गए थे? वो कहेंगे, तू पाक है, हमें ये बात शाया न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही इनको और इनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी यहां तक के वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे। तो काफिरों, इन्होंने तो तुमको तुम्हारी बात में झुटला दिया, बस अब तुम अजाब को न फेर सकते हो न किसी से मदद ले सकते हो। और जो शख्स तुम में से जुल्म करेगा हम उसको बड़े अजाब का मजा चखाएंगे। और हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे हैं सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया, क्या तुम लोग सब्र करोगे? और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है। और जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों ना नाजिल किए गए या हम आंख से अपने परवरदिगार को देख लें, ये अपने ख्याल में बड़ाई रखते हैं और इसी बिना पर बड़े सरकश हो रहे हैं। जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनाहगारों के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी और कहेंगे, कहीं कोई रुकावट खड़ी कर दी जाए। और जो इन्होंने अमल किए होंगे हम उनकी तरफ मुतवज्जे होंगे तो उनको बिखरा हुआ गुबार कर देंगे। उस दिन अहले जन्नत का ठिकाना भी बेहतर होगा और उनके आराम की जगह भी खूब होगी। और जिस दिन आसमान अब्र से फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे उस दिन सच्ची बादशाही रहमान ही की होगी और वो दिन काफिरों पर सख्त मुश्किल होगा। और जिस दिन जालिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ऐ काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता, हाय शामत, काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता, उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया। और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। और पैगंबर कहेंगे कि ऐ परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था
और इसी तरह हमने गुनाहगारों में से हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया, और तुम्हारा परवरदिगार हिदायत देने और मदद करने को काफी है। और काफिर कहते हैं कि इस पर कुरान एक ही दफा क्यों नहीं उतारा गया? इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसलिए उतारा गया कि इससे तुम्हारे दिल को मजबूत रखें, और इसी वास्ते हम इसको ठहर ठहर कर पढ़ते रहे हैं। और ये लोग तुम्हारे पास जो एतराज की बात लाती हैं, हम तुम्हारे पास उसका माकूल और खूब वाजे जवाब भेज देते हैं। जो लोग अपने चेहरों के बल दोजख की तरफ जमा किए जाएंगे, उनका ठिकाना भी बुरा है और वो रस्ते से भी बहके हुए हैं। और हमने मूसा को किताब दी और उनके भाई हारून को मददगार के तौर पर उनके साथ कर दिया। फिर हमने कहा कि दोनों उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की। आखिर हमने उनको पूरी तरह हलाक कर दिया। और नूह की कौम ने भी जब पैगंबरों को झुटलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और उनको लोगों के लिए निशानी बना दिया, और जालिमों के लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। और आद और समूद और कुएं वालों और उनके दरमियान और बहुत सी जमातों को भी हलाक कर दिया, और सबके समझाने के लिए हमने मिसालें बयान की, और न मानने पर सबको तहस नहस कर दिया। और ये काफिर उस बस्ती पर भी गुजर चुके हैं जिस पर बुरी तरह का मेह बरसाया गया था, तो क्या ये उसको देखते न होंगे? बल्कि इनको तो मरने के बाद जी उठने की उम्मीद ही नहीं। और ये लोग जब तुमको देखते हैं तो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं कि क्या यही शख्स है जिसको अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है? अगर हम अपने माबूदों के बारे में साबित कदम न रहते तो ये जरूर हमको बहका देता और उनसे फेर देता। और ये अनकरीब मालूम कर लेंगे जब अजाब देखेंगे कि सीधे रास्ते से कौन भटका हुआ है। ऐ पैगंबर, क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना माबूद बना रखा है? तो क्या तुम उसके जिम्मेदार हो सकते हो? या तुम ये ख्याल करते हो कि उनमें अक्सर सुनते या समझते हैं? नहीं, ये तो चौपायों की तरह के हैं, बल्कि उनसे भी गए गुजरे। भला तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो साये को किस तरह दराज करके फैला देता है, और अगर वो चाहता तो उसको बेहरकत ठहरा रखता। फिर हम सूरज को उसका रहनुमा बना देते हैं, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेट लेते हैं। और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को आराम बनाया और दिन को उठ खड़े होने का वक्त ठहराया। और वही तो है जो अपनी रहमत यानी मेघ के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, और हम आसमान से पाक निथरा हुआ पानी बरसाते हैं ताकि उससे शहर मुर्दा यानी बंजर जमीन को जिंदा कर दें, और ताकि हम वो पानी बहुत से और आदमियों को जो हमने पैदा किए हैं पिलाएं। और हमने इस कुरान की आयतों को तरह तरह से लोगों में बयान किया ताकि वो नसीहत हासिल करें, मगर बहुत से लोगों ने इनकार के सिवा कबूल न किया। और अगर हम चाहते तो हर बस्ती में डराने वाला भेज देते, तो तुम काफिरों का कहा न मानो और उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े शद्दोमत से लड़ो। और वही तो है जिसने दो दरियाओं को मिलाकर चलाया, एक का पानी शीरी है प्यास बुझाने वाला और दूसरे का खारी कड़वा, और दोनों के दरमियान एक पर्दा और मजबूत ओट बना दी है। और वही तो है जिसने पानी से आदमी पैदा किया, फिर उसको ददियाल ननियाल और ससुराल वाला बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर तरह की कुदरत रखता है। और ये लोग अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीज की परस्तिश करते हैं कि जो न इनको फायदा पहुंचा सके और न नुकसान। और काफिर अपने परवरदिगार की तरफ से पीठ फेरने वाला है। और हमने ऐ नबी, तुमको सिर्फ खुशी और अजाब की खबर सुनाने को भेजा है। कह दो कि मैं तुमसे इस काम की उजरत नहीं मांगता। हाँ, जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले, और उस खुदाए जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और वो अपने बंदों के गुनाहों से खबर रखने को काफी है। वही जिसने आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर जलवा अफरोज हुआ। वो जो रहमान यानी बड़ा मेहरबान है, तो उसका हाल किसी बाखबर से दरियाफ्त कर लो। और जब इन कुफार से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो, तो कहते हैं और रहमान क्या होता है? क्या जिसके लिए तुम हमसे कहते हो हम उसके आगे सजदा करें?
और वो इस बात से और बिदकती हैं। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है। बड़ी बरकत वाला है वो जिसने आसमान में बुर्ज बनाए और उनमें आफताब का निहायत रोशन चराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया, और वही तो है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया। ये बातें उस शख्स के लिए जो गौर करना चाहे या शुक्रगुजारी का इरादा करे, सोचने और समझने की हैं। और रहमान के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं, और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तगू करते हैं तो सलाम कहते हैं, और वो जो अपने परवरदिगार के आगे सजदे करके और इज्जो अदब से खड़े रहकर रातें बसर करते हैं, और वो जो दुआ मांगते रहते हैं कि ऐ परवरदिगार दोजख के अजाब को हमसे दूर रखियो कि उसका अजाब चिमटने वाला है, बेशक दोजख ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है। और वो के जब खर्च करते हैं तो न बेजा उड़ाते हैं और न तंगी को काम में लाते हैं, बल्कि एतदाल के साथ, न जरूरत से ज्यादा न कम। और वो जो अल्लाह के साथ किसी और माबूद को नहीं पुकारते, और जिस शख्स को मार डालना अल्लाह ने हराम किया है उसको कत्ल नहीं करते मगर जायज तरीक यानी शरीयत के हुक्म से, और बदकारी नहीं करते, और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुब्तला होगा। कयामत के दिन उसको दूना आजाब होगा और वो जिल्लत और ख्वारी से हमेशा उसमें रहेगा। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा, और अल्लाह तो बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो तौबा करता और अमल नेक करता है तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। और वो जो झूठी गवाही नहीं देते और जब उनको बेहुदा चीजों के पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तो शरीफाना अंदाज से गुजरते हैं, और वो कि जब उनको उनके परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते बल्कि गौर फिक्र से सुनते हैं। और वो जो दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको हमारी बीवियों की तरफ से और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना, इन सिफात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे और वहां फरिश्ते उनसे दुआ व सलाम के साथ मुलाकात करेंगे, उसमें वो हमेशा रहेंगे, और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। कह दो कि अगर तुम अल्लाह को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता, तुमने तकजीब की है सो अब मुठभेड़ हो। العظيم